गुड आफ्टरनून। देहात और शहर के हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो, इसका एक क्वेश्चन मैंने लिख के दिया था, अब लिखते हैं दूसरा। रामजन मतलब देहाती लोग, रामजन भी क्या जाने लगे हैं, रामजन भी क्या जाने लगे हैं। रामजन भी शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य रोजगार रोजगार के आधुनिक पद्धतियों जानते होते हैं। गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, गांव के लोग इसका आंसर इधर है। शौचालय जैसे सुविधा के प्रति
जागरूक हो रहे हैं। शहर और देहात की समस्या का मूल क्या है? देहात की समस्या का मूल क्या? शहर और देहात के उत्तर, शहर और देहात की समस्या का, देहात की समस्या का दिनों दिन बढ़ती आबादी, बढ़ती आबादी, शिक्षा 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 और गरीबी है। शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। दोनों जगह है, इसीलिए समस्या बढ़ रही है। देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? तहसील तभी
बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का लास्ट वाला क्वेश्चन है कारण बताओ, कारण बताओ ऐसे क्यों होता है। गांव में काम करने के लिए नहीं मिल रही है गांव के लोग कारण गांव के लोग रोजगार ढूंढने कहाँ चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं। गांव के लोग रोजगार ढूंढने शहर जा रहे शहर परेशान होता है क्यों, शहर
परेशान अब इसका क्या कारण क्या है? गांव के लोग रोजगार तलाश करने कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं, फिर वहां की भीड़ बढ़ती है ना, और फिर वहां का प्रदूषण भी बढ़ता है, लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, ये सब इसलिए शहर भी परेशान होता है। गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं। जिससे यहाँ की प्रदूषण बढ़ रहा है, एक लास्ट वाला, गांव बहुत उदास हो जाता है, गांव उदास हो जाता है, इसका आंसर इधर ये प्रश्न का उत्तर इधर है क्योंकि असुविधा बेरोजगारी असुविधा बेरोजगारी आपसी झगड़े अशांति कैसे समस्याओं से इसलिए वो उदास होता है क्योंकि समस्या कम नहीं होती, सुविधाएं असुविधाएं है,
है ना, आपसी झगड़े है, बेरोजगारी है, गांव में लोगों को काम नहीं मिलता और इस वजह से गांव उदास हो जाता है। ठीक है, अब कल हम इसके ऊपर जो व्याकरण है या भाषा अभ्यास है वो करेंगे। ठीक है।